अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इंडियन लोग अब दुबई जो है घूमना फिरना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिलेगा और वो लोग जाके वहाँ पे दुबई में, यूएई में जो है वो रह सकते हैं। कितने दिन रहेंगे, कैसे वीज़ा मिलेगा और किन को मिलेगा, वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा मैं। और इंडियन लोगों के लिए एक गर्व की बात ये है, जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है लेकिन मैटर सऊदी अरब से है, तो वो भी आप लोगों का जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा अपडेट उसके बारे में। और सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी। बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों लोगों को जो है बड़े कारनामे करने के एवज़ में जो है जेल हुई है, पकड़े गए हैं वो लोग, उनके बारे में भी अपडेट दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पहला अपडेट है इंडियन आर्मी की तरफ से, यानी सऊदी अरब और भारत की इंडियन आर्मी जो है, इन दोनों के बीच में जो है संयुक्त समझौता हुआ है और ये लोग जो है ट्रेनिंग देने वाले, यानी इंडियन आर्मी सऊदी आर्मी को, सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग देंगे। उन लोगों को जो है उनके उनको सिखाएंगे कि छापेमारी कैसे करते हैं, अगर अपने बंधक किसी जगह पे बने हुए तो उनको कैसे छुड़ाएंगे, टारगेट को कैसे पकड़ते हैं, ये सब चीज़ें, कई सारे जो है चीज़ों को लेकर के समझौता हुआ है, बात हुई है दोनों रक्षा मंत्रालय के बीच में। और ये ट्रेनिंग बाकायदा सऊदी अरब के जो फौजी हैं वो इंडिया में आ चुके हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है इंडियन आर्मी के लिए और हर एक इंडियन के लिए कि हम लोग जो है विदेशी लोगों को, विदेशी फोर्सेस को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों अगला खबर है बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से जो है ना डॉक्टर और नर्सेज यानी मेडिकल के रिलेटेड जो है हायरिंग होगी सऊदी अरब में। यहाँ के लोग जो है अब जाएंगे सऊदी अरब में प्रैक्टिस करेंगे या फिर वहाँ पे जॉब के लिए, वर्क के लिए वो लोग जाएंगे। अभी जो है 60 लोगों का चयन हुआ है, 60 लोग जो है सऊदी अरब जाने वाले हैं जो डॉक्टर के पेशेवर हैं। और उससे तो 30 लाख के करीब बांग्लादेशी सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में यानी डॉक्टर वगैरह के क्षेत्र में वहाँ पर उनको नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो जो कंडीशन थे सऊदी अरब के, ये लोग जो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे जो चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो इंडिया से तो लोग जाते ही थे डॉक्टर के ये में, मेडिकल क्षेत्र में इंडियन बहुत है वहाँ पे सऊदी अरब में, लेकिन अब बांग्लादेशी डॉक्टर भी वहाँ देखने को मिलेंगे आने वाले क्षेत्र में। ये लोग बता रहे हैं कि और जो है हायरिंग वहाँ से बढ़ेगी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है। आपको मालूम है कि कॉमर्शियल फ्रॉड करते हुए सऊदी नागरिक और जो है गैर मुल्की लोग पकड़े गए थे, तो जो गैर मुल्की लोग पकड़े गए थे उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और वो लोग जो है हमेशा के लिए सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, बैन हो जाएंगे। तो जो लोग भी इस तरह के फ्रॉड में रहते हैं, वो एक्सपायर चीजों को जो है नया डेट चढ़ा के बेच रहे थे और भी कुछ काला कांडी कर रहे थे, कमर्शियल फ्रॉड जिसको बोलते हैं, तो ये भाई साहब लोग जो है अब अपने देश वापस जाएंगे तो फिर जो है आ नहीं पाएंगे वापस सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक ऊंट और बकरी के जो चरवाए होते हैं वो भाई साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कई जगह वहां पर जो ना प्रोहिबिटेड एरिया होता है, यहाँ पे नहीं जाना है, रिजर्व एरिया होता है। तो वैसे ही जो है किंग रिजर्व एरिया में ये भाई साहब जो रास्ताओं के लिए जो रिजर्व रहता है उसमें आप अपना नहीं, वो बाउंड्री नहीं रहता, ओपन रहता, तो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। और लेकिन लिखा भी रहता है कई जगह बोर्ड लगा के, फिर भी लोग ऊँट और बकरी को छोड़ देते हैं, वो चरने लगते हैं। तो जो जितने चरवाए हैं जरा ध्यान दीजिए, अरेस्ट हुए हैं, अब इनको जो है ना वहाँ पर हेड यानी जितने एक ऊँट है, दो ऊँट है, तीनों, तो एक ऊँट के हिसाब से वहाँ पर फाइन लगता है। 10 ऊँट है तो फाइन जो है 10 गुना बढ़ता है, तो वो फाइन जो देना पड़ता है वो जो चरवाए होते हैं उनको ही देना होता है, और मैक्सिमम चरवाहे गैर मुल्की ही होते हैं, तो चरवाए लोग जरा ध्यान देंगे। दोस्तों सऊदी अरब के सरकिया रीजन से 3 पाकिस्तानी भाई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेद्दा रीजन से 2 पाकिस्तानी भाइयों को गिरफ्तार किया गया। ये 5ों लोग क्या कर रहे थे, ड्रग्स वगैरह जो है वहां पे शाबू होता है या जो नशीले चीजें होती हैं उसका सेवन और उसको जो है बेच रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे। अब इन लोगों को यही होगा कि भैया हम चलो वीजा लिए और पहुंच गए सऊदी अरब, घर वाले समझते हैं अच्छे से कमा रहा है, लेकिन ये भाई साहब लोग किसी भी तरह से गलत लोगों के संपर्क में आके या गलत चीजें करने लगते हैं, जो कि काफी सख्ती से मना है सऊदी अरब में। इसमें जो है जिंदगी खराब हो जाती है जेल में, और जो लोग इनके संपर्क में आते हैं, कई लोग ऐसा भी है कि नाहक भी पकड़ लिए जाते हैं। एक इंडियन भाई साहब ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि मेरे भाई को ड्रग केस में पकड़ के अंदर कर दिए हैं, तो अगर उनको ड्रग्स लेते हुए या फिर कहीं देते हुए कहीं भी इन्वॉल्वमेंट में होंगे तभी उनको अंदर किया गया था। ऐसे कोई भी लोग हो जिनको लगे कि हमारे रिश्तेदार को जो है ऐसे ही पकड़ के अंदर कर दिया गया है और उनके ऊपर ड्रग्स के केसेस लगा दिए गए, हालांकि ये जो है बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है कि वो गलती से पकड़ा गया हो, तो इस चीज़ में क्या करना चाहिए ना कि जो मिनिस्ट्री है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने यहाँ की मिनिस्ट्री से बात करें, सारे डिटेल्स उनको दें, फिर वो लोग वहाँ संपर्क करेंगे, फिर बात होगी तो मैटर को जो है सुनवाई होगी, देखा जाएगा, नहीं तो वहाँ पे फैसले जो है काफ़ी जल्दी आ जाते हैं और जब फैसले जल्दी आ जाते हैं तो फिर उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे हालांकि कई लोग जो है जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये गलत चीज़ें करने लगते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर लेते हैं।
सऊदी अरब के मक्का रीजन में दो जो है सिटीजन लोगों का अरेस्ट किया गया। ये लोग पब्लिकली जो है अपने में मार पिटाई कर रहे थे और एक भाई साहब वो वीडियो बना लिए, तो ये दोनों तो अरेस्ट हुए ही और जो वीडियो बना रहे थे वो भाई साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आपको मालूम है कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं वो अब वीडियो बना के अगर कहीं पब्लिश कर देंगे सोशल मीडिया पर तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, आपको भी पकड़ा जाएगा। वीडियो आप अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं या आप कोशिश करें कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो, नहीं तो आप भी जो है गैर मुल्की हो या शहरी हो चले ही जाते हैं अंदर जेल में। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक अपडेट और खुशखबरी शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग इंडियन नेशनल हैं तो इंडियन लोगों को जो है यूएई का वीज़ा 14 दिन का वीज़ा जो है फ्री मिलेगा, फ्री में, मतलब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वीज़ा ऑन अराइवल होगा, बिना वीज़ा के यूएई पहुंच सकते हैं, 14 दिन वहां रह सकते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिलेगा किनको, तो सबसे पहले बता दूं कि ये उनको मिलेगा जो लोग जो है यूके और यूएस के रेसिडेंट्स होंगे, उन वीज़ा होल्डर होंगे या फिर वहां के ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे या वहां के मतलब इंडियन जो एनआरआई होते हैं वहां पे सेट हो जाते हैं वो होंगे, तो उन इंडियन को जो है अब ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी दुबई का वीज़ा लेने के लिए। लेकिन एक शर्त ये भी बताया गया इसमें कि अगर वो लोग एमिरेट्स एयरलाइंस का टिकट लेंगे तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमिरेट्स एयरलाइंस का टिकट जो है वो लोग डायरेक्ट उसकी साइट से ले सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी एजेंट से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद से आप सोच रहे होंगे कि वीज़ा कैसे मिलेगा, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जब आप एमिरेट्स की साइट पे टिकट इशू कर लिए हैं कहीं से भी किए हों या फिर आपने खुद ने भी किए हों या किसी एजेंट से लिए हों, फिर मैनेज बुकिंग का ऑप्शन आता है। मैनेज बुकिंग पे जाके वहाँ पे ऐड ऑन के ऑप्शन में आपको जो है वीज़ा का ऑप्शन मिलेगा। वीज़ा के लिए वहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो साइट आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगी बीएफएस से, यानी ये बीएफएस से लिंक कर दिया। बीएफएस ग्लोबल के लिए जो लोग सऊदी अरब जाते हैं वो तो सब जानते ही हैं कि बीएफएस ग्लोबल अब समझिए कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपने हाथ में लेने वाला है, वहाँ के वीज़ा के प्रोसेस को अपने हाथ में लेने वाला है। तो ये जो है इसके लिए अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना है, एमिरेट्स का पहला शर्त है कि आपका टिकट होना चाहिए, दूसरा शर्त मैनेज बुकिंग में जाके आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो रिडायरेक्ट होगा बीएफएस पे और बीएफएस पे जाके आप उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर सब फिल कर देंगे, फिर आपको जो है यूएई पहुँचेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा लाइन लगाने की इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि आपके पास यूके यूएस का वीज़ा होना चाहिए या आप वहाँ के मतलब जो एनआरआई लोग होते हैं वहाँ ग्रीन कार्ड वगैरह ले लिए होते हैं वो इंडियन होंगे तो इनको ये फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि भारी तादाद है ऐसे लोगों की तो इन लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन उम्मीद अब ये भी की जा सकती है कि सारे इंडियन को हो सकता है कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है दिया जाए दुबई का, क्योंकि इंडियन भारी तादाद में वहाँ रहते हैं और मैक्सिमम इंडियन की पहली चॉइस रहती है कि वो दुबई जाएं, दुबई घूमें और जाते भी हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और फीडबैक अपने कमेंट में जरूर दिया कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।